पीएम मोदी ने किया यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स 2023 का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ, सीएम योगी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स का उद्घाटन किया है। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान पीएम मोदी के साथ नजर आए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मल ठोस और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी 3 दिवसीय समाशोधन के दौरान विभिन्न मामलों की अध्यक्षता करेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बना उद्योग लगाने वाला राज्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सलाह, पूर्व आईएएस अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आज जब उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स शिखर 2023 की स्थिति हो रही है तो हमें अपने जीवन में इतना बड़ा दिन देखने को मिल रहा है। ये शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश को S1 नौकरी उद्योग बनाने की दिशा में एक कदम है। रिलायंस और आदित्य बिड़ला ग्रुप निवेश करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी ने कहा, उत्तर प्रदेश देश के लिए आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों का उत्साह बढ़ा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अच्छा प्रदेश बन रहा है। कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। हम भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य को भारत का सबसे समृद्ध राज्य बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात कहते हैं, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। मैं भी इससे जुड़ी हुई हूँ। उत्तर प्रदेश से हमारे 70 दशक पुराने संबंध है। रेणुकोट में हमारी प्रमुख कंपनी हिंडालको की वर्किंग फैक्ट्री है। यूपी में आदित्य बिड़ला ग्रुप के 7 से अधिक बिजनेस हैं और 13,000 लोग काम करते हैं। मैं यूपी में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव देता हूं। उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 trillion की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक प्रदेश के अंदर निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने 4 pillars तय किए हैं। इनमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र, 33 विभागों की 406 सेवाएं यह उपलब्ध करवा रहा है। इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल निवेश सारथी, यह निवेशकों की जिज्ञासाओं के समाधान, समस्या निवारण और निवेश परियोजनाओं के अनुसरण की सुविधा दे रहा है। तो नीतियों में प्रावधानित इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को भी विकसित करने के साथ ही हरेक निवेशक के साथ एक प्रदेश के अंदर उद्यमी मित्र की तैनाती करने की व्यवस्था भी इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है। आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर इज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए लीड्स रैंकिंग में अचीवर श्रेणी प्राप्त की है। प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने निर्यात को भी दुगना करने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में आज आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश
बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए आज जाना जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जो अन्य तमाम संभावनाएं हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है, खाद्यान्न, दूध, गन्ना, आलू व एथेनॉल उत्पादन में प्रदेश देश में नंबर वन है। वाराणसी का सिल्क क्लस्टर, भदोही का कालीन क्लस्टर, ये प्रमुख टेक्सटाइल हब भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और इन सभी अन्य सेक्टर्स में जहां पर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, उन सबको बढ़ाने के लिए सेक्टोरियल पॉलिसीज इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, अपेरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मेगा फूड पार्क, ट्रांस गंगा सिटी, गारमेंट पार्क और कई प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के विकास की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है, लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है, यूपी बीमारू राज कहलाता था, यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे, हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था। लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां उत्तर प्रदेश में एक और विषय में बहुत प्रशंसनीय काम हुआ है, ये काम एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी हेल्थ यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ऐसे अनेक संस्थान अलग अलग स्किल्स के लिए युवाओं को तैयार करेंगे। मुझे बताया गया है कि स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत अभी तक यूपी के 16 लाख से अधिक युवाओं को अलग अलग स्किल्स में ट्रेन किया गया है। यूपी सरकार ने पीजीआई लखनऊ, आई
आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कोर्सेज भी शुरू किए हैं। और मैं जब अभी आ रहा था तो शिक्षा का जिनकी जिम्मे होती है हमारी गवर्नर साहिबान चांसलर के रूप में वो काम देखती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है कि नेट एक्रेडिटेशन में इस बार उत्तर प्रदेश की 4 यूनिवर्सिटीज ने हिंदुस्तान को अपना लोहा मनवा दिया है। मैं शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को और चांसलर मैडम को हृदय से अभिनंदन करता हूं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नई सप्लाई और वैल्यू चेन हम विकसित कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि नई वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए यूपी आज एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। परंपरा और आधुनिकता से जुड़े उद्योगों का, एमएसएमईस का एक बहुत ही सशक्त नेटवर्क आज उत्तर प्रदेश में वाइब्रेंट है। यहां भदोही के कालीन और बनारसी सिल्क है, भदोही कारपेट क्लस्टर और वाराणसी सिल्क क्लस्टर भी, और उसकी वजह से यूपी भारत का टेक्सटाइल हब है। आज भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 60% से भी ज्यादा मोबाइल अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। मोबाइल कंपोनेंट की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी यूपी में ही होती है। अब देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर्स में से एक यूपी में बन रहा है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। आज मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिमांड निरंतर बढ़ रही है। भारतीय सेना को भी हम अधिक से अधिक मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के बहुत ही लगनशील और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने अपने नाम यानी अप को लगातार सार्थक किया है। अब यूपी मतलब हेल्थ अप, यूपी मतलब एजुकेशन अप, यूपी मतलब स्किल अप, यूपी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अप, यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट अप और यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट का। इंडियंस आर एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी एट अ रेट अनसीन इवन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल एज वी स्पीक This year, 2023, India is rolling out the fastest 5G network through the length and breadth of our country. Second, India has the world's largest population of youth. Our youth is brimming with entrepreneurial energy and passion. Their innovations and ideas will take the world by storm. Third, thanks to your far-sighted leadership, regional imbalances are fast disappearing. Uttar Pradesh is a shining example of this. The divide between urban India and rural Bharat is also closing. Fourth, and most importantly, you have brought about a fundamental change in the mindset of the nation. There is unprecedented hope and optimism among the people. Nobody in the world can question the fundamentals of Indian economy. They are robust, and now is the time for all our enterprises
to step up on the accelerator, because Udyog and Sahyog always must go hand in hand. Sanmaniya Shri Yogi Ji, jaise aaj puri duniya ke liye Bharat asha ka kendra ban gaya hai, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है. नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है. लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बन